सो आज हम लोग बात करेंगे गूगल एड्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में ना गूगल सर्च एड जिसको कि सर्च इंजन मार्केटिंग इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग तो इसके अंदर हम गूगल एड्स बिंग एड्स अलग अलग तरह के एड्स देख रहे होते हैं ठीक है सो गूगल एड्स आई एम अज्यूमिंग कि आपने क्रिएट किया हुआ है तो उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन किस तरह के होते हैं जैसे एक क्वेश्चन होगा कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी स्कोर एड रैंक एंड एड स्ट्रेंथ ये तीनों में डिफरेंस क्या है और रिलेशन क्या है ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है सो अगर आपने गूगल एड सर्च एड क्रिएट किया है यू नो आर टू थिंग्स वन देवर्ड की ऊपर हमारा एड दिखेगा जो सर्च करने पे जिन चीजों को जिन क्वेरीज पे हमारा एड दिखेगा दैट इज अवर टारगेटेड की वर्ड एंड द सेकेंड थिंग इज एड और जो थर्ड चीज आती है वो आती है आपकी लैंडिंग पेज या वेबसाइट जहां आप लोगों को भेज रहे हैं ना तीन चीजें इन्वॉल्वड हैं तो जो आपने सर्च ऐड क्रिएट किया होगा ये चीजें आपको मिली होंगी राइट right? और ये बनते हैं ऐड ग्रुप के अंदर वी नो कि ऐड ग्रुप होता है हर गूगल ऐड कैंपेन के अंदर यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऐड ग्रुप हर ऐड ग्रुप में कीवर्ड और एड्स बनते सो ऐड स्ट्रेंथ ये होता है हर एड को जब आप डिजाइन कर रहे हैं तो उसका स्ट्रेंथ वो कितना बेहतर बना हुआ है क्योंकि एड डिजाइन करते समय हमें हेडलाइन डिस्क्रिप्शन फाइनल यू आर एल ये सारी चीजें डालनी होती हैं अगर किसी ने खराब हेडलाइन डाला या कम हेडलाइन डाला तो ऐड स्ट्रेंथ कम होगा तो एड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो पुअर एवरेज गुड एक्सलेंट इस तरीके से होती है तो जब आप एड बेहतर बनाइएगा मतलब यू आर एडिंग मल्टीपल हेडलाइंस यूनिक हेडलाइंस यूनिक डिस्क्रिप्शन देन योर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ विल इंप्रूव सो इज रिलेटेड टू एड जबकि क्वालिटी स्कोर ये जो है इसकी वैल्यू जीरो से टेन के बीच में होती है और ये हर कीवर्ड को मिलता है तो दिस इज रिलेटेड टू की वर्ड क्वालिटी स्कोर आप अपने कैंपेन के अंदर भी देख सकते हैं जहां पे कैंपेन चल रहा हो उसके कीवर्ड सेक्शन में जाइए स्क्रॉल करिए कॉलम्स को यू मे नीड टू ऐड अनदर कॉलम एज अ क्वालिटी स्कोर सो वहां पे आपको स्टैट्स में बाकी जो केपीआई दिख रहे होंगे उसमें दिखाई देगा सो क्वालिटी स्कोर की वैल्यू जीरो से टेन के बीच में होती है टेन मतलब बेस्ट जीरो मतलब पुअर तो क्वालिटी स्कोर किस चीज पे डिपेंड करता है एक तो आपने जो कीवर्ड चूज किया है क्या आपका कीवर्ड एड का पार्ट है क्या आपका कीवर्ड लैंडिंग पेज में प्रेजेंट है ठीक है तो आपका जो कैंपेन डिजाइन हुआ है क्या वो इस कीवर्ड के लिए बेहतर है तो क्वालिटी स्कोर इज डिपेंडेंट ऑन कीवर्ड एंड बिडिंग अमाउंट इस कीवर्ड के लिए जो आपने बिड अमाउंट लगाई है अगर आप बिड अमाउंट कम लगाइएगा आपका क्वालिटी स्कोर पुअर रहेगा लेकिन सिर्फ बिड अमाउंट पे भी नहीं डिपेंडेंट वो इस बात पे भी डिपेंडेंट है कि आपका एड कैंपेन लैंडिंग पेज ये सब चीजें इससे अलाइंड है या नहीं मतलब अगर मैं बेस्ट हॉस्पिटल इन नासिक ये की दे रहा हूं तो क्या मेरे एड में बेस्ट हॉस्पिटल नासिक लिखा हुआ है क्या मेरा लैंडिंग पेज पे वो लिखा हुआ है मेरे यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है अगर वो सर्च करता है और मेरे ऐड को देखता है तो है ना फॉर दैट कीवर्ड सो कीवर्ड से रिलेटेड है क्वालिटी स्कोर हर कीवर्ड के लिए अलग अलग वैल्यू आपको गूगल देगा ये हमेशा कैंपेन रन होने के बाद ही मिलेगा एड स्ट्रेंथ कैंपेन रन होने से पहले दिख जाता है क्वालिटी स्कोर हमेशा कैंपेन रन होने के बाद दिखाई देता है तो दो चीजें हम लोगों ने देखी हैं एक एड स्ट्रेंथ जो कि एड से रिलेटेड है एड डिजाइन करते समय हमें बता रहा होता है गूगल क्वालिटी स्कोर जो कि कीवर्ड से रिलेटेड है और ये कैंपेन रन होने के बाद दिखता है अब आते हैं एड रैंक पे एड रैंक जब भी कोई यूजर सर्च करता है क्वेरी को उस टाइम पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो गूगल का रिजल्ट पेज है उस पे अलग अलग रिजल्ट दिखाई देते हैं कुछ एड्स दिखते हैं मान लो ये एड्स हैं ऊपर और नीचे में भी कुछ एड्स दिखाई दे रहे होते हैं और बाकी बीच में जो है ऑर्गेनिक एसओ के रिजल्ट दिखाई दे रहे होते हैं। तो जब यूजर क्वेरी को सर्च करता है उस वक्त गूगल कैलकुलेशन करता है कि अभी मुझे किसके एड को ऊपर दिखाना है और किसके एड को नीचे दिखाना है एड की पोजीशन क्या होगी आपके वो रियल टाइम कैलकुलेशन होता है क्वेरी जब स्टाइप होती है तब तो एड रैंक इज वन इंटरनल कैलकुलेशन बाय गूगल जिससे गूगल तय करता है कि आपका एड कितने नंबर पे दिखाई देगा किस पोजीशन पे दिखाई देगा आपके एड की रैंकिंग क्या होगी और इसका फॉर्मूला आज तक गूगल ने रिवील नहीं किया है कि वो करता कैसे लेकिन एड रैंक डिपेंड करता है दो चीजों पे मेनली वैसे तो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं लेकिन मेनली डिपेंड करता है एक तो आपके क्वालिटी स्कोर पे आपके एड का क्वालिटी स्कोर कैसा है दूसरा आपके बिडिंग स्ट्रेटजी और बिडिंग अमाउंट पे जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हाउ मच यू आर रेडी टू पे तो आपका जो सीपीसी आप देने को तैयार है उसके ऊपर डिपेंड करेगा बिडिंग अमाउंट के ऊपर तीसरा लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि यह सर्च किया गया है कहां यह सर्च किया गया है आपके बजट पे भी डिपेंड करता है कि आपका टोटल बजट कितना है दिन का डेली बजट कितना है बिकॉज इसी डेली बजट के हिसाब से आपके सीपीसी तय होते हैं खासतौर से ऑटोमेटेड के बिल्डिंग के केस में तो एड रैंक इज वन इंटरनल कैलकुलेशन बाय गूगल जिससे गूगल तय करता है कि आपका एड किस पोजिशन पे दिखाई देगा अभी हर बार वो चीज चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन योर बिडिंग स्ट्रैटेजी बिडिंग अमाउंट क्वालिटी स्कोर ऑफ योर एड ये सारे फैक्टर्स इनफैक्ट इसमें एड स्ट्रेंथ भी आएगा कैलकुलेशन में अगर आपका एड स्ट्रेंथ खराब है तो आपकी पोजीशन गूगल जल्दी ऊपर नहीं करेगा सो so, इन सब में हम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छा क्वालिटी स्कोर मेंटेन करें अगर हम अच्छा क्वालिटी स्कोर मेंटेन करते हैं हमारा एड ऊपर भी दिखता है हमें कम पैसे भी देने पड़ते हैं गूगल को है ना और हम कम कॉस्ट में बेटर कन्वर्जन कर पाते हैं सो so, डिफरेंस फिर से क्वालिटी स्कोर इज डिपेंडेंट ऑन इट इज फॉर की एंड फॉर एवरी की वर्ड वी कैन सी क्वालिटी स्कोर आफ्टर रनिंग कैंपेन वी कैन सी दैट

एंड गोल हमारा ये होता है कि हम अपने एड रैंक को इंप्रूव करें हम देख तो नहीं सकते बट हम इंप्रूव कर सकते हैं बाय इंप्रूविंग योर क्वालिटी स्कोर बाय इंप्रूविंग योर एड स्ट्रेंथ बाई इंप्रूविंग योर लैंडिंग पेज बायप्रूविंग योर बजट ये सब करके आप अपने एड रैंक को इंप्रूव करते हैं सो दैट यू विल गेट मोर क्लिक्स इफ योर एड रैंक इज बेटर यू विल हैव मोर क्लिक्स दैट मीन्स योर सी टी आर विल बी बेटर आपका सी टी आर इंप्रूव करेगा क्लिक थ्रू रेशियो सौ बार अगर आपका एड दिखता है तो चालीस बार अगर क्लिक मिलते हैं तो योर सी टी आर इज फोर्टी परसेंट तो यह सीटीआर इंप्रूव करेगा कब जब एड रैंक बेटर होगा एड रैंक कब बेटर होगा जब क्वालिटी स्कोर बेटर होगा अपार्ट फ्रॉम दैट अदर फैक्टर्स आर देयर ठीक है तो ये है रिलेशन ठीक है सो अगली बार जब आप एड क्रिएट करिएगा मेक श्योर sure करिए कि आप इन पैरामीटर्स पे ध्यान दे रहे हैं स्पेशली योर क्वालिटी स्कोर एंड एड स्ट्रेंथ